अगरचे शूटिंग के दिन बहुत दबाव वाले होते हैं। आपने सही कहा, ये दिन वाकई मुश्किल होते हैं। हमें ये पसंद हो या नहीं, हमें ये करना पड़ता है, लेकिन ये सब अच्छी टीम और लगन के बगैर नामुमकिन है। इतने तनाव में तो इंसान भूलने की बीमारी का शिकार भी हो सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्या हुआ था? ठीक है, तो आप सब मेरी अजीब कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। अच्छा सुने, ये शूटिंग के दिनों की बात है। मेकअप रूम में दो लिप बाम थे, एक मेरा और दूसरा एल्फ का। अपना लिप बाम मैंने हाथ में पकड़ लिया और एल्फ का लिप बाम मैंने जेब में रख लिया था। इतनी देर में वहाँ एक बंदा आ गया और मैं अपने लिप बाम को हाथ में घुमाता हुआ इससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद मेकअप रूम से एक लड़का आया और एल्फ के लिप बाम के बारे में पूछने लगा कि अपने लिप बाम कहीं देखा है। तो मैंने कहा कि मैंने सीट पर देखा था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। तो पीछे से हेयर ड्रेसर चीखते हुए कहने लगा कि मैंने फरकान साहब को जेब में डालते हुए देखा था। वो एल्फ का पसंदीदा लिप बाम था और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने इसे जेब में डाला है। और मैं के चुका था कि मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो मेरे पास से ही मिला। और वहाँ पर सब ये समझने लग गए कि मैं दूसरों का लिप बाम लगाता हूँ। उस वक्त हर तरफ खामोशी छा गई और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं इस वक्त काफी शर्मिंदा हुआ, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे अंदाजा हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सारा दिन काम करने के बाद ऐसा होना ही था। मैं अपनी लाइंस भी भूल जाता था, हमारा भलकड़ फुरकान, मैं उन्हें जहन में दोहराता रहता था ताकि वो मुझे याद रहे, मगर कुछ देर बाद दिमाग से निकल जाया करता था। लेकिन जो भी था, हमें मजा बहुत आया, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एकदम मैं सब कुछ भूल जाऊं और कहने लगूं मुझे अपनी कहानी के बारे में दोबारा बताओ। अब ऐसा मत करें, मुझे भी अब भूल गई। अब तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। नहीं, मजाक नहीं है।